कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में पहुंची धारताल निवासी एक युवती ने बताया कि उसके चेहरे में साइड इफेक्ट हो गया है। युवती का कहना है कि शनिवार को उसने कोरोना वैक्सीन लगाई थी और सोमवार को उसका मुंह पैरालाइज्ड होकर तिरछा हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। बहरहाल युवती ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में आधारताल से पहुंची एक लड़की ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद उसके चेहरे में साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। दरअसल उसके चेहरे में लकवे के लक्षण दिखाई दिए, उसका चेहरा तिरछा हो गया है। उसका कहना है कि शनिवार को उसने वैक्सीन लगवाई और उसके दो दिन बाद उसका मुंह तिरछा हो गया। उसका उपचार मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, मगर युवती का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ही ये समस्या उत्पन्न हुई है और उसने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। वैक्सीन लगवा, जैसे फेशियल पैरालाइज होता ना, उसी तरीके का हो गया हैगा। वैक्सीन लगवाए उसके दो दिन बाद ऐसा हो गया हैगा। कब लगवाई थी आपने? सैटरडे के दिन लगवाए थे। क्या हुआ आपको उसका? सो मंडे के दिन सुबह उठे सो के तो एक ऐसे करके ना एकदम से मुंह एकदम मेरा तिरछा हो गया हैगा अचानक से। रात में बहुत अच्छे थे, दो दिन हाथ पे दर्द था, कान पे दर्द रात में शुरू हुआ, सुबह पूरा चेहरा तिरछा हो गया। हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पे आएंगे शिकायत लेके कि हमारे लिए कुछ हुआ यहाँ पर। वहीं ग्राम पंचायत बमहनी से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत कार्य नहीं हुआ है, लिहाजा सर्दी गर्मी और बरसात के दिनों में भी उन्हें पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक शिकायत देकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ग्राम पंचायत आदिवासियों का क्षेत्र है, वहाँ पे जो नल जल योजना का कार्यक्रम चल रहा है वो अभी यहाँ मिड़की ग्राम में नहीं हुआ है, इसलिए हम कलेक्ट्रेट महोदय से मिलने आए थे इस समस्या का। क्या समस्या है आपके यहाँ पर? मतलब बारिश हो या गर्मी दोनों में समस्या है, 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कब से है समस्या?